इस प्यारे से रिएक्शन का, इस ओ का सीक्रेट जानना चाहते हैं? वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। ये मेरी बिटिया का बचपन का एक वाटर बॉटल था जो काफ़ी स्टिकी हो गया है और बहुत ही कितना भी धो लो ये ऐसा ही डिस्ट्रेस सा है, रीयूज जैसा लग ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना उसे सरप्राइज दिया जाए और उसके इस बॉटल को अच्छे से बनाया जाए। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून टैल्कम पाउडर, 1 टेबलस्पून ग्लू और एक्रेलिक कलर। मैं वाइट एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई और भी कलर यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, एक प्रॉपर पेस्ट जैसा बन जाए, तो जो भी सरफेस आप चाहते हैं उसके ऊपर इस तरह इसे स्प्रेड कर देना है। इसे ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही ये ड्राई हो जाए इसके बाद हम इसके सरफेस पे काम करेंगे। तो जितना बड़ा ये बॉटल है उतना बड़ा मैंने एक पेपर ले लिया है जिसमें लाइंस लगे हुए हैं ताकि मुझे अलग से मार्किंग ना करनी पड़े, और इस पे मैं लिख रही हूँ कोट। ये एक्चुअली वाटर बॉटल है इसलिए कोट अकॉर्डिंगली लिख रही हूँ, और जो मुझे ड्रॉ करना है वो भी मैं ड्रॉ कर रही हूँ। एक्रेलिक कलर ही यूज़ कर रहे हैं और उससे अच्छे से इस बेस को हमने पेंट करके सूखने देना है। फिर येलो कलर का जो पेपर होता है, कार्बन पेपर, उसे रखकर उसके ऊपर हमने ये जो लिखा है उसे ट्रेस कर लेना है। इससे ना आपका जो बेस है उसमें कोई कलर नहीं आएगा। ज़रा से डिटेलिंग कर रहे हैं, उसके लिए एयर ड्राई ले लिया मैंने, अच्छे से उसे डो जैसा बना लिया, फिर फेविकॉल की मदद से उसे हमने वो जो कैक्टस बनाया था उसके ऊपर चिपका देते हैं। एक्रेलिक पेन की मदद से ये जो मैंने लिखा है उसे अच्छे से लिख लेना है ताकि ये बिल्कुल परमानेंट हो जाए, और जो सब काम हो जाए उसके बाद वार्निश करना बिल्कुल ना भूले, और वार्निश को अच्छे से ड्राई होने दे, उसकी स्मेल जाने दे, उसके बाद इसे आप यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो इसे लिख लेते हैं, आप चाहे तो ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास एक्रेलिक पेन था तो मैंने उससे लिखा, और सारी चीज़ों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो क्लिक करके मंगवा सकते हैं। इसका ढक्कन पर्पल और इसमें कहीं और पर्पल नहीं तो मुझे बहुत अधूरा सा लगा, तो थोड़ा सा हमने ऐसे पर्पल अच्छे से डैप कर देना है स्पॉन्ज लेकर, जिसकी वजह से ये पूरा कोहेसिव लुक आ जाए। नाउ आई लाइक इट। और मैंने इसे किस तरह दिया, शी वॉज नॉट नोइंग, वो अपने कॉलेज के लिए निकल रही थी और मैं उसे ये सरप्राइज दे रही थी, तो हियर इज़ द फुल वीडियो एंड शी वॉज रियली टच्ड। अपने इंस्टा स्टोरी में उसने मुझे मेंशन भी किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बींग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर इफ यू लाइक इट। बाय बाय।